डॉलर की ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 200 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी टास्क फोर्स इंसदादे पोलियो का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हालिया पोलियो केसेस तश्वीशनाक हैं। आलमी अदारों, सूबाई हुकूमतों ने इंसदादे पोलियो के लिए खदमात सर अंजाम दी। इंसदादे पोलियो के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाक अमरीका वज़रा खारजा की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे होगी। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़रा खारजा की मुलाकात न्यूयॉर्क में होगी। दोनों की आमने सामने पहली मुलाकात बहुत अहम होगी। फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो खुसूसी खिताब करेंगे। कराची में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र सिंध में बड़ी तब्दीली। आईजी सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। मुश्ताक महर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर कामरान फजल को आईजी सिंध का आरजी चार्ज दे दिया गया। तहरीक इंसाफ आज गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जिनाह स्टेडियम में जलसे के हवाले से तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इमरान खान का रात 8 बजे जलसे से खिताब मुतवक्के। जलसा गाह में 15,000 कुर्सियां लगाई गई। जलसा गाह में आवाम ज्यादा होने के पेश नज़र बाकी ग्राउंड को खुला छोड़ दिया गया। गुजरांवाला जीटी रोड पर पीटीआई के तशहीरी पोस्टर्स पर स्याही फेंक दी गई। स्याही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तस्वीर पर फेंकी गई। नून लीग से पीटीआई में शामिल होने वाले एमपीए अशरफ अंसारी की तस्वीर पर स्याही से लोटा लिख दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कतरी शहजादों के शिकार के दौरान फसलों को नुकसान पहुंचाने पर फोकल पर्सन को आयद 8 करोड़ रुपए जुर्माने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 26 मई को डीसी जंग को तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी जियाउद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में जमानत कबलज़ गिरफ्तारी में 6 जून तक तौसी। शेख रशीद के खिलाफ तौहीन मजहब के 11 मुकदमात दर्ज हैं। शेख रशीद की जमानत कबलज़ गिरफ्तारी 18 मई तक मंजूर हो चुकी थी। शेख रशीद के खिलाफ मस्जिद नबी के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। जो स्पेशल अदालत खोल के किया गया वो भी हमारे हक में चला गया। जो कल हुआ है उसको तो इमरान खान ने भी अप्रिशिएट किया है। इमरान खान ने फैसला किया है कि इस दफ़ा सिंध इलेक्शन कम्पेन
वो खुद चलाएगा और खुद टिकटों के फैसले करेगा। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत एक वोट पर खड़ी है जो कायम नहीं रहेगी। इस वक्त ये अदारों से मुद्दत पूरी करने की भीख मांग रहे हैं। बोले, तकलीफ कहीं और, दर्द कहीं और उठ रहा है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, कौम इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकल रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरतेहाल पर गुफ्तगू की गई। हमजा शहबाज बोले, इमरान नियाजी और इसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, ये अनासिर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सूरतेहाल पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया, इमरान खान का फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद करते हैं, हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मुनहरिफ अराकीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में आईनी बहरान के पेश नज़र कानूनी टीम ने कहा, हमजा शहबाज किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे। हमजा शहबाज की जानिब से तलब करदा इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट अब शुमार नहीं होंगे। 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट खत्म होने से हमजा शहबाज के पास 172 वोट रह गए हैं। तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असम्बली में 183 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग काफ की पंजाब असम्बली में 10 सीटें हैं। और मुस्लिम लीग काफ ने सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अराकीन असम्बली के हवाले से पंजाब में वजारत आला का इंतखाब चैलेंज करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने वकला को दरख्वास्त तैयार करने की हदायत कर दी। वकील सफदर शाहीन पीरजादा बोले, फैसले के बाद हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे, पुरानी काबीना बहाल हो गई है।